भाई साहब, ओ मेरे भाई, एक कदम पीछे हो जाओ, अपना आईडी दे दो भाई, चलो आगे सबके आईडी। चलो मंदिर में और स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लो, फेस तो दिखने दो उनका। भारतवासियों की 500 वर्षों की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा, अगर उसका आप देखेंगे तो पूरे देश भर में आज एक राममय माहौल हुआ। ये वातावरण जो है, ये राम भक्तों के लिए, भारतीयों के लिए एक ऐसा है कि हर कोई अपनी ओर से कुछ ना कुछ सेवा भाव से कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुष्ठान रखने की बात कही है और हम सब लोग भारतीय स्वच्छता अभियान मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, धामों में कर रहे हैं, और जिसको जहां अवसर मिलता है, जिस भाव से करना चाहता है कर रहा है। तो मैं भी नई दिल्ली के एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जहां मुझे वर्षों से आने का अवसर मिला, आज वहां स्वच्छता अभियान में एक बार फिर जुड़ने का अवसर मिला। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, अपने आसपास का कोई भी धार्मिक स्थल है, कोई भी धाम है, कोई भी मंदिर है, आप उसकी स्वच्छता जरूर करें। और एक मेरा अनुभव यहां पर जो आया कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, जहां दिल करे वहीं फेंक जाते हैं, कृपया करके उसको कूड़ेदान में जरूर फेंकें। बहुत सारी जगह देखा गया कूड़ादान साथ में था, लेकिन फिर भी जगह जगह कूड़ा फैलाया हुआ था। आप कुछ भी खाए पिए लेकिन कूड़ेदान में ही डालें, कूड़ेदान नहीं है तो अपने पास इकट्ठा करके सही जगह पर उसका कूड़ादान देके वहां पे घर के पास या कहीं ऐसी जगह पे किया जाए। दूसरा मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि भाईचारा, भक्ति भाव, ये दोनों को बढ़ाएं, प्यार बढ़े पूरे देश भर में, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। सर, संजय राउत और दिग्विजय सिंह का कहना है कि मंदिर को जो है 3 किलोमीटर दूर स्थान पर नहीं बनाया जा रहा है, जहां पर राम जन्मभूमि दूर बनाया जा रहा है, उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि वहां पर क्यों नहीं बना रहे, उनसे राजनीतिक बना दिया है भाजपा और आरएसएस। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है, किसी को अपनी राजनीति करने के लिए कोई ना कोई बयान देना है। मैं इतना ही कहूंगा कि टीका टिप्पणी बंद करें, बयानबाजी बंद करें। 500 वर्षों की प्रतिज्ञा और 500 वर्षों की प्रतीक्षा, इन दोनों को ही बाद आज देश में भव्य राम मंदिर बना, जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के करोड़ों लोग आने वाले वर्षों में आएंगे। एक बार 22 तारीख का बड़ा भव्य कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद देश के भक्तों के लिए राम मंदिर के द्वार भी खुलने वाले हैं। आप आइए, बड़ी संख्या में ट्रेनें चलेंगी, बाकी सब कुछ होगा। मेरा केवल इतना है कि आइए, तब तक 22 तारीख तक हम सब लोग अपनी ओर से स्वच्छता अभियान चलें, एक भक्त के नाते मंदिरों की सफाई करें। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का, पूरी दिल्ली में सुंदरकांड आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पार्ट पूरी दिल्ली में जो है वो उनके अलायंस, इस तरीके की बातें आ रही हैं, आप देखिए। देखिए, भगवान की पूजा करने में हर किसी का स्वागत है, लेकिन जिनके अपने कामकाज और कांड ऐसे रहे हों जिसके कारण वो जेल में हो, एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचार के चलते, अब पछतावा करने का समय आया है, क्योंकि पहले लोगों को बहुत झूठ कह कह के वोट पाए इन लोगों ने, ईमानदारी का पाठ पढ़ा के कट्टर बेईमान जो लोग बने, जिनके उप मुख्यमंत्री जेल में, मंत्री जेल में, सांसद जेल में, और मुख्यमंत्री ऐसे जो 4-4 ईडी के नोटिस आने के बाद भी ईडी के पेशी में शामिल नहीं हो रहे। क्यों नहीं पेश हो रहे? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या डर है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के चौथी बार समन जारी होने के बावजूद भी नहीं जा रहे? जो कांग्रेस को कभी ज्ञान देते थे कि बेईमानी छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, आज वो स्वयं बेईमानी और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये वो लोग हैं जो अपने आप को कट्टर कहते थे, लेकिन आज वो कट्टर बेईमान है।